प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, सीमा क्या हो सकती है? जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वो सागर से भी गहरा है, अंबर से भी ऊंचा है, ये सब बातें। लेकिन मुझे लगता है, मेरी छोटी सी बुद्धि में बात आती है, कि जब हमारा जीवन दो तारीखों के बीच में बंधा हुआ है, समय की एक सीमा में बंधा हुआ है कि हम इस समय आए, इस दिन आए और इस दिन जाना है, तो उस सीमा में जो हम प्रेम जीते हैं, शायद उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा और बहुत मन से सुन लीजिएगा बात। यदि आपके हृदय तक पहुंच जाए तो एक बार जोरदार मुझे अपना तालियों के माध्यम से सूचित कीजिएगा, ताकि मैं कुछ और बढ़िया मन की चीजें आपके बीच पढ़ सकूं, जो मुझे बढ़िया लगती हैं, सबको लगे। सुनिएगा कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। मैं धन्य हो गई इसी डॉट के इस कार्यक्रम में, के चेहरों पर, आपकी आंखों में मुझे मेरी कविता के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, और इससे ज्यादा कोई साधारणीकरण की मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कहीं भी, कि जो मैं कह रही हूँ वो आप उसी वातावरण में शामिल हैं, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और दो मुक्तक बहुत मन के, अब मुझे लगता है कि पढ़ने चाहिए, मैं बचा कर ले जा रही थी, लेकिन मेरा मन है, सुनिएगा। मेरी प्यारी भाभी इंदु जी और तमाम हमारी बहनें विभा जी और तमाम जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं, उन सबको शामिल करती हूँ इन पंक्तियों में। हम सभी ने संघर्ष के दौर देखे हैं, दिनेश भाई और हम और प्रवीण, हम सभी एक दूसरे के जीवन को बहुत करीब से जानते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सब जगह सब चीजें हों। एक ऐसी गृहिणी के दो मुक्तक आपको सौंपती हूँ कि जो उसके पास इतना धन नहीं है कि वो घर में सारी सुविधाएं जुटा दे, लेकिन उसका मन इतना अच्छा है कि उसके यहाँ आनंद ही आनंद महसूस होता है, किसी बात की कमी महसूस नहीं होती। ऐसी गृहिणी के दो मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सूखेपन घट की गागरी हूँ मैं, मुझे खुद लगता है कि कैसा प्रतीक अच्छा सा आ गया है, कि सूखेपन घट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी, आप नहीं सुनेंगी तो मैं सुनाऊंगी नहीं कि सूखेपन घट, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, लोगों को पसंद आती है इसलिए पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि सूखेपन घट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं, तेरे आंगन की देहरी। सर्वाधिक स्नेह मांगती है सब, एक स्त्री का मन देखिएगा, कि तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार कर रहा है, दिल मेरा बहुत आभारी हूँ। सच में आपने एकदम हृदय से सुन लिया, मैं कितनी देर सुनाऊं ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आप तक कितना पहुंचा ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुक्तक कुछ पढ़ चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ चार पंक्तियां आपके बीच वो रख दूं जो मुझे बड़ा आशीष मिलता रहा है हमारे अदब के, साहित्य के बड़े, सबसे बड़े नाम जो होते हैं आदरणीय राहत साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके आशीष की छाया में मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, स्त्री विमर्श की ही बात करूंगी कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, कुछ याद दिला कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, उसके ज़हनो दिल पे काबिज़ थी हवस की आंधियां,
पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो पाकीज़गी से डर गया। और साहब प्रेम को लेकर इतनी बातें होती है तो बड़ा सब कुछ स्वरूप इतना बदल गया कि वो मैं, मेरे लिए तो बड़ी अलग सी बात है अभी जो जैसा माहौल है या जो वातावरण है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहूँगी, मैं कहूँगी कि फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, जो नहीं बदलती हैं। जैसे प्रेम के विषय में मेरा मानना ये है कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, कभी पीड़ा कभी आनंद है। प्राण से यह प्राण का अनुबंध है और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। तो जो आत्मा का छंद बचता है उसकी कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। और हिंदी साहित्य की एक विधा एक है कि एक छंद है उसका सवैया, एक सवैया आपको सुनाती हूँ। मीरा मेरी आदर्श रही है बचपन से, तो मैं उनसे आरंभ करती हूँ, सुनेगा। और अगर एक सवैया आपने बहुत अच्छे से सुना तो बड़ा कीमती सा एक और सवैया आपको सुनाऊंगी, उसके बाद एक गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी। के श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, श्याम के नाम। आपके चेहरों पर क्या मुग्ध भाव है, मैं न्योछावर हो गई इस पर, एकदम मोहित मुग्ध भाव से आप सब सुन रहे, सुनिएगा मेरे साथ रहिएगा। कि श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा, जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा, और प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा, प्राण समाए जो श्याम शरीर समेत समा गई मीरा, धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा, साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा, राग विराग के बीच रही। ये पंक्ति मुझे अटकाए रखी बहुत दिन तक, सुनेगा। कि धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा, साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा, राग विराग के बीच रही अनुराग के साजे ढली हुई मीरा, और मोहन मोहन गाती हुई मन मोहन की मुरली हुई मीरा, मोहन मोहन मैं इसको छोड़ती हूँ। मैंने सवैये भी बहुत लिखे हैं, पूरी किताब है मेरी, लेकिन इसको यहाँ छोड़ती हूँ। और राहत साहब हों, प्रवीण हों, दिनेश हों, अनिल अग्रवंशी जी का मुझे पता नहीं गजल कहते हैं कि, लेकिन ये तीनों तो आपका तो खैर क्या कहें, पूरा विश्वविद्यालय है आप। और प्रवीण और दिनेश जी भी बहुत अच्छी गजल कहते हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक मतला और एक शेर, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचेगा ये दावा करती हूँ, और शेर पढ़ती हूँ, मतला पढ़ती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। कमाल है, ये तो भरपूर है, आप जैसे श्रोता भी कमाल है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद भी कमाल सुन रहे हैं आप सबको। ऐसा क्यों समझ रहे हो कि आपकी तरह समझ नहीं। सुनिएगा, डूब कर सुन लीजिएगा एक मतलब और एक शेर, मेरा आना सफल हो जाएगा मेरे लिए, मेरे आनंद की परिणति होगी एक तरह से, आप अगर आप तक ये बात पहुंचेगी। सुनिएगा, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और होने से डरती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, मेरी आँखों के आई
तस्वीर रहती है। क्या बात है। मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में, रोने से डर। ये सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से भरे, ये बहुत बड़ा खेल। ये वाकई राहत साहब बैठे हुए करेंगे अपने इस वक्त में, ये शायरी हो रही है यदि हिंदी मंच पर तो हिंदी बहुत पसंद है। बहुत आभार आपका। आप फिर बार बार इन दिनों वर्षों से यही हो रहा है कि हर मंच जिस पर मैं जाती हूँ मेरे इस विश्वास को और इस सकारात्मक आशा को कहीं दृढ़ करता है कि जो भी कविता है यदि केवल कविता सुनाई जाए तो सुनी जाएगी, सराही जाएगी। आप जैसे श्रोता जब तक रहेंगे, इतने हाईटेक लोग हैं सारे, लेकिन मैंने कहा कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ऐसी ही एक चीज के साथ मैं समापन करूंगी अपने काव्य पाठ का। बेटी वाला तो नदी वाला जो भी मन नहीं, मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको, मन का भी है। सुना दो, जो नहीं लिखा वो भी सुना दो। ये वही चीज है, ये हमारे मंच का गणपति है मेरा प्यारा भैया, और ये बहुत लाडला है हम सब जी। तो इसको सब छूट है कुछ भी, भगवान इसे 100 साल की उम्र दे। इतनी अच्छी गजलें, इतने अच्छे मुक्तक, इतनी अच्छी कविताएं वे लिखते हैं, मैं उनसे आपकी क्या उनकी तारीफ आपसे करूं। आप स्वयं सुन चुके हैं और सुनेंगे। मैंने सैकड़ों मंच ऐसे देखे हैं कि दीवाना कर देते हैं दिनेश रघुवंशी, चाहे प्रवीण शुक्ल अग्रवंशी जी को भी आपने सुना, लेकिन दिनेश के लिए एक बार मेरे भाई के लिए जरूर ऐसी तालियां जोरदार उठे। और कविता की जितनी कद्र होनी चाहिए चाहती हूँ मित्रों, और उससे पहले चार पंक्तियां साहब। मेरा मानना है कि हम सब जीवों की रचना यदि विधाता ने की है तो उसकी रचना के पीछे कोई ना कोई एक भूमिका देकर भेजा है हम सब। हम सब अपने अपने रोल्स में काम कर रहे हैं। तो चार पंक्तियां कहती हूँ साहब, हम स्त्रियों को कौन सी भूमिका मिली है सुनिएगा। चलाओ तीर तुम मुझको, सहन करना जरूरी है। चलाओ तीर तो मुझको, सहन करना जरूरी है। जहर हो या के अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है। सृजन की भूमिका मैं हूँ, सृजन करना जरूरी है। सृजन की भूमिका मैं हूँ। और साहब बहुत बदल गया सब कुछ, मैं जिस आयु वर्ग के हम लोग बैठे हुए हैं बहुत बदलाव हमने देख लिया अब तक। हम छोटे थे तो किस तरह अपने माता पिता से बात करते थे, गुरुजन से बात करते थे, टीचर्स से बात करते थे। अभी भी सब कुछ ठीक है, भाव कहीं बुरा नहीं है, लेकिन लहजे बदल गए हैं, शब्दों के चयन बदल गए हैं, टोन बदल गया है। तब मुझे लगता है कि एक गीत कहना जरूरी हुआ, और वो गीत मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले वो मैंने पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में सितंबर में पढ़ा था, वो कनाडा में, वहाँ टेस्ट किया मैंने, और उसके बाद मैं भारत में पढ़ रही हूँ, उसके बाद यहाँ तमाम मंचों के मंच पर भी वो गीत पढ़ती हूँ साहब। बहुत साधारण सा है लेकिन मुझे लगा कहना चाहिए। हो सकता है इसकी साहित्यिक मूल्यवत्ता कुछ भी न हो, कमाल, लेकिन ये जरूरी गीत है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को जिंदाबाद। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको
जन्म देने में मर मर के जिंदा रही, अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, अद्भुत है रचना, एक औरत जो खुद बागवान हो गई। मनुष्य का केवल बच्चा ऐसा होता है जिसे बरसों तक यदि पाला पोसा न जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी जीव जंतुओं के बच्चे तो पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं दूर के लिए। सुनिए कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबान हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके चेहरे की सलवट जैसे जवां हो गई, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशी मिलेंगी नहीं। और बंद सुनिएगा कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। अपने बच्चे की खुशियों में हंसती है वो, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ। हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, ऐसे रहती है जैसे हिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना खुशियाँ मिलेंगी नहीं। और मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, जिन पलकों में नमी उतर आई उन्हें हजार हजार प्रणाम करती हूँ, और क्योंकि उनकी संवेदना कहीं जागृत हुई, कहीं शायद कोई बात मेरी पहुंचे, इससे बड़ी मेरी कविता की कोई सफलता नहीं हो सकती है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं साहब। यहां बैठे हुए तमाम लोगों में बहुत सारे बड़े किस्मत वाले होंगे, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होंगे। मेरी पंक्तियां बताएंगी मैं क्या कहना चाह रही हूं। कि जिनकी मां हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके आंचल में कांटे न भरना कभी, उसके आंचल में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को
कविता जी, कविता जी ये तालियां ये दिल से बोल, ये देखो इधर देखो, ये देखो विभा जी, ये मैं आपके इस चयन को प्रणाम करता हूँ। एक बार विभा जी के लिए तालियां अतिरिक्त दीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, राहत साहब ने बैठे हुए एक ही बात कही, दिनेश भाई, प्रवीण भाई, ये कविताएं कवि सम्मेलन में होंगी तो हमारी आस्था और विश्वास और हिंदुस्तान बचेगा, और ये कवि सम्मेलन में ये चीज नहीं रही तो कुछ भी हो जाए लेकिन आस्था विश्वास खंडित होने वाले हैं। तो मैं राहत साहब जैसे